This is Ashish Masi Cars, helping you buy better. वेल ज़बारा है एसयूवीज़ का, ज़बारा है साथ साथ में ईवीज़ का, और अगर एसयूवीज़ और ईवीज़ का अगर हम एक मिश्रण करें तो टाटा मोटर्स रियली आर द मास्टर्स ऑफ द गेम्स. अब इन्होंने अपनी पॉपुलर पंच पे, जो कि हमेशा ही टॉप 10 सेलिंग कार्स में आती है भारतीय बाजार में, उसके अंदर ईवी वर्जन लॉन्च कर दिया है. क्या है टाटा पंच में? वेल, इस गाड़ी में आपको मिलता है 421 किलोमीटर्स की रेंज, साथ ही साथ ये जो टॉप द लाइन फर्जन इसमें आपको सब कुछ मिलता है. मल्टीपल कैमराज, ऑल फोर डिस्क ब्रेक, सनरूफ, कूल फ्रंट सीट्स और बहुत सारी चीज़ें मिलती है. और इसका जो प्राइस अगर ये पता लग गया है तो प्राइसिंग के हिसाब से, फीचर्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा पैकेज है. लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या आपको इतने पैसे खर्च करके ये लेनी चाहिए? ऐसे थोड़ी सी बड़ी और थोड़ी सी स्पेशियस बाइक एक्सयूवी 400 ले सकते हैं आप, या साथ ही साथ आप कंसीडर कर सकते हैं टाटा नेक्सॉन को ही 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिला के वो भी ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ी बड़ी है वो. तो ये सारी बातें आज आपको बताएंगे इस वीडियो में. जल्दी से आपको एक वॉक आउट करके दिखाते हैं और उसके बाद बताते हैं कि क्या इस प्राइस पर पंच एक अच्छा बाय है या फिर थोड़ी सी महंगी है. मेरा नाम है आशीष मसी. चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें. अगर पहले भी आ चुके हैं और ये वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक करें, और अगर आपको लग रहा है कि वीडियो इतनी अच्छी नहीं है तो कमेंट्स में आप कुछ नीचे नेगेटिव लिख सकते हैं. सबसे पहली बात जो आप अप्रिशिएट करेंगे इस गाड़ी कैबिन की, वो है इसका नया टच स्क्रीन. बहुत ही आलीशान है, 10 इंच का टच स्क्रीन है, और इसके अंदर आपको इंफोटेनमेंट के साथ साथ एसी के कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं. वैसे तो एसी कंट्रोल यहाँ नीचे भी है, लेकिन यहाँ पर आपको सारे एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं. देखने में अच्छा है, चलाने में अच्छा है, और बहुत ही स्मूथ है इन टर्म्स ऑफ द ऑपरेशंस. दैट्स ऑल्सो समथिंग क्वाइट नाइस. कंप्लीटली डिजिटल डायल्स आपको मिलते हैं, और इस गाड़ी का एम्बियंस जो है वो रेगुलर वाली जो पंच है उससे एक आधा पौना कदम ऊपर ही है. अब रेगुलर पंच के अंदर भी हो सकता है कि बहुत जल्द टाटा मोटर ये सारे नए अपडेट्स डाल दें. स्टेयरिंग व्हील बिल्कुल वही वाला जो टाटा नेक्सॉन वगैरह में आता है, यहाँ पे इल्यूमिनेटेड है, और बहुत सारे कंट्रोल्स हैं इसके ऊपर. यहाँ पे टेलीफोन रखे हैं, और यहाँ पे डिजिटल कॉकपिट के हैं जिसको आप चेंज कर सकते हैं. लुक को, मेन्यू, सब मेन्यूज़ वगैरह, डिज़ाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं. नेविगेशन को लगा सकते हैं, या आप चाहते हैं कि मेरे को सिर्फ स्पीड वगैरह देखनी है और रेंज देखनी है तो वो भी लगा सकते हैं. तो बहुत सारे उसके अंदर आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. बीच का एसी वगैरह का जो पार्ट है वो भी अगेन नेक्सॉन की तरह ही इन्होंने कम्प्लीटली टच कर दिया है. ठीक है, अच्छी बात है, आजकल लोग टच एंड फील चाहते हैं. नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 USB है टाइप सी और ओल्ड स्कूल, और साथ ही 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट, और यहाँ पे स्पेस दे रखा है जहाँ पे अपना सेलफोन वगैरह रख सकते हैं. वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन मौजूद है. यहाँ पे सर्कुलर नॉब जो कि गियर लीवर का काम करता है गियर्स वगैरह के लिए, एंड ऑफ कोर्स डिफरेंट मोड्स, ड्राइविंग मोड्स एज वेल एज इकोनॉमिक मोड, एंड इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक. जो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फंक्शन, दो बड़े बेवरेज होल्डर, और एक यहाँ पे स्पेस है जहाँ पे आप सामान रख सकते हैं. बहुत डीप तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, एक दो सेलफोन आराम से जा सकते हैं, और साथ ही साथ आप एक आधा डाइट कोक का कैन वगैरह रख सकते हैं. और अगर आपको सामान रखने की जगह और चाहिए तो एक जो ग्लव बॉक्स है काफ़ी डीप एंड स्पेशियस है और कूल्ड है. सबसे अच्छी बात यह कि कूल्ड ग्लव बॉक्स है, और यहाँ पर भी जो दरवाजे हैं वो काफ़ी स्पेशियस है बॉटल्स वगैरह रखने के लिए. ओवरऑल जो क्वालिटी है मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है. हाँ, आप कहेंगे कि थोड़े से नीचे की तरफ को हार्ड प्लास्टिक्स है, यहाँ पे बीच में हार्ड प्लास्टिक्स है, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पे ज़्यादातर लोग ज़्यादा ध्यान देते नहीं है, जो सेंटर कंसोल का लोअर पार्ट होता है, तो इतना तो चलता है. थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग तो करनी पड़ेगी, देखिए. बट ओवरऑल द एम्बियंस इज क्वाइट पॉजिटिव. इट फील्स लाइक अ हाई टेक कार, एंड डज फील लाइक यू सिटिंग इनसाइड अ वेरी वेल थॉट आउट प्रोडक्ट. ये अब जो पैल चिप्टर्स है ये क्यों दे रखे हैं यहाँ पे? वेल, ये दे रखे हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ रीजनरेशन के लिए. आप चाहे तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पे जा सकते हैं. इसका मतलब ये है कि जब आप अपना पंजा एक्सीडेंट से हटाते हैं तो गाड़ी अपने आप ब्रेकिंग लेती है और स्लो डाउन होती है, और स्लो डाउन के साथ साथ ही ये जो ब्रेक्स वगैरह है इसके अपने आप लगते हैं, तो उससे बैटरी पैक अपने आप चार्ज होता है. तो ये कहते हैं इसको 1 पेडल टेक्नोलॉजी, यानी कि आप एक पेडल पे भी या एक पेडल से भी गाड़ी को चला सकते हैं, और ये शहर में ज़्यादातर लोग करना पसंद करते हैं जो बार बार ब्रेक वगैरह नहीं दबाना चाहते. ऑटोमेटिक वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेड लैम्प्स, एंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इज ऑल्सो देयर इन टर्म्स ऑफ गिविंग अ ग्रेडिंग, इन टर्म्स ऑफ गिविंग द मार्क्स. आई विल गिव दिस कार्स इंटीरियर द फ्रंट एंड अ स्ट्रॉन्ग स्कोर ऑफ 9 आउट ऑफ 10. अब 10 में से 10 क्यों नहीं दिया,
वेल इसलिए दे दिया क्योंकि दो चीज़ें, एक तो मेरे को वॉल्यूम के लिए हमेशा ही नॉब पसंद आता है गाड़ी के अंदर, तो वो होना चाहिए, मज़ा आता है कभी कभी टच स्क्रीन वगैरह से, यू नो, वॉल्यूम ऊपर नीचे करने मज़ा नहीं आता। और ये जो इनका इंटीग्रेटेड पैनल है फॉर द एसी कंट्रोल्स एंड ऑल द अदर कंट्रोल्स, इसके ऊपर कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह लग जाएंगे, तो ये बार बार साफ़ करना पड़ेगा। साफ़ करने के लिए आपको एक कपड़ा हमेशा गाड़ी में रखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अच्छा कैबिन है। हम देखेंगे इसको 9-10 में से। आप चलते पीछे और देखते पीछे की सीट्स कैसी है। वेल, सबसे अच्छी बात इस गाड़ी की है कि जो इसके दरवाजे हैं आगे का भी और पीछे का भी पूरा 90 डिग्री पर खुलता है, तो चढ़ने में और उतरने में खास तौर पे अगर आपके घर में बुजुर्ग माँ बाप है, कोई भी आपको शिकायत नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बैक सीट पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे हेडरूम ठीक ठाक है, नीरू भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते लेकिन ठीक ठाक है। मेरे हाइट है 5'10" और मेरे साइज़ के इंसान के लिए, अगर ड्राइवर मेरी साइज़ का है और हाइट का है तो ठीक है, आप स्पेस पैर आप ऐसे फैला सकते हैं। और बीच में क्योंकि कोई बड़ा लंप या हम नहीं है तो आराम से पैर इधर उधर भी कर सकते हैं। अगर छोटा कोई बच्चा है बैठेगा तो भी क्वाइट ओके, बट हाँ अगर फुल साइज़ के एडल्ट 3 बैठेंगे थोड़ा सा मामला टाइट हो जाएगा, आपको थोड़ा बहुत यू नो कसरत करनी पड़ेगी स्पेस बनाने के लिए। आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट भी मिलता है, आराम से आप निकाल सकते हैं और तसल्ली से ऐसे बैठ सकते हैं। जो गाड़ी है इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि इसके जो शीशे हैं काफ़ी बड़े हैं और आगे से भी और ऊपर से भी सब तरफ से गाड़ी के अंदर एक एयरी फील आती है, ऐसी फील आती है कि आप एक यू नो अपने साइज़ से बड़ी गाड़ी के अंदर बैठे, तो एक बड़ा पॉजिटिव ये है। और क्योंकि इन्होंने हल्के कलर यूज़ कर रखे हैं तो उससे भी एक पॉजिटिविटी का इफेक्ट आता है, ओपननेस का एक इफेक्ट आता है गाड़ी के अंदर। यहाँ पे पॉकेट्स से रखी है लेकिन चार्जिंग पॉइंट को नहीं रखा पीछे, और ना ही एसी वेंट से रखे, तो उसके लिए पॉइंट थोड़े से इनके काटने पड़ेंगे। और हाँ, एक चीज़ और जो मुझे लगा कि नेगेटिव है वो ये है कि जो बैकरेस्ट एंगल है थोड़ा सा खड़ा हुआ है ज़्यादा, मतलब शॉर्ट ट्रिप्स के लिए तो ठीक है शहर के अंदर, लेकिन अगर आप हाईवे पर निकलेंगे तो आप प्रेफर करेंगे कि थोड़ा सा मैं आराम से लेट के जाऊँ, तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा बैकरेस्ट एंगल और देना चाहिए था। बट ओवरऑल आई थिंक फॉर द शेप एंड साइज एंड द सेगमेंट ऑफ दिस कार इट डिजर्व्स अ डिसेंट स्कोर ऑफ 8/10। सबसे अच्छा फीचर एक बार फिर आपको याद दिला दूँ वो है कि दरवाजे इस गाड़ी के पूरे 90 डिग्री पर खुलते हैं। वेल, अब जल्दी से देखते हैं गाड़ी की बूट को, डिक्की को। एक अच्छी बात जो है वो ये है कि टाटा पंच जो रेगुलर वर्जन आता है उसके मुकाबले से इन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया स्पेस में, ये ऐसा कह रहे हैं, और देखने से भी ऐसा ही लगता है कि कोई स्पेस के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। एक चीज़ मैं सामान रखने पहले आपको दिखा दूँ वो ये है, अगर आप कैमरा को पास लाएंगे कि इसके अंदर ऑर्गेनाइज़र दे रखा है। ऑर्गेनाइज़र का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से उठाते हैं मैट वगैरह को तो आप नीचे देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेस जो है उसको अलग अलग खांचे दे रखे हैं। बेसिकली चार्जर के लिए अलग जगह दे रखी है, टूल के लिए अलग जगह दे रखी है, और यहाँ पे जो टायर पंक्चर किट है उसके अलग जगह दे रखी है। तो सब चीज़ों के लिए अलग अलग स्पेस है, अलग अलग जगह है, और इससे आप देख सकते हैं कितना अच्छा रहता है ओवरऑल सामान को संभाल के रखना। अब अगर हम बात करते हैं बूट की, डिक्की की, तो इसके अंदर आपको बैग्स रख के दिखाए थे। बैग्स अगर आप देखेंगे तो दो बड़े बैग आप आराम से इसमें रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी स्पेस के हिसाब से। और अगर आप एक दो बैग और यहाँ पर रखना चाहते हैं तो आराम से एडजस्ट हो जाएगी, तो कोई स्पेस के हिसाब से ऐसी कोई मेजर इशू नहीं है। हाँ, थोड़ा सा लोडिंग सेल ज़रूर है, और लोडिंग सेल को आपको थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा, गाड़ी का जो पैकेज है, जो ओवरऑल सेगमेंट है उसमें हर गाड़ी में यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग सेल आजकल आता है। डिक्की को देखिए रिस्पेक्टेबल स्कोर 8/10। वेल, तो अब मैं चला रहा हूँ टाटा की पंच ईवी, और ये जो गाड़ी है पहले आपको जल्दी से इसके स्टैटिस्टिक्स बता देते हैं। 421 किलोमीटर इसकी रेंज है क्योंकि लॉन्ग रेंज वर्जन है ये, साथ ही साथ इसके अंदर आपको मिलती है 35 किलोवाट आवर बैटरी पैक। और ये जो गाड़ी है इसके अंदर आपको डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि इकोनॉमी, स्पोर्ट और सिटी, और साथ ही साथ आपको रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। पहले शिफ्टर जहाँ पीछे दे रखे हैं इससे आप रीजेनरेटिव ब्रेकिंग को चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको सादा चाहिए एफर्ट ब्रेकिंग का तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको हल्का चाहिए कम चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। अब रीजेनरेटिव ब्रेकिंग से क्या होता है, वेल अगर आप यहाँ से इसे पूरा प्लस पे ले आते हैं और पूरा L3 पे ले आते हैं, तो जैसे ही आप अपना पंजा हटाएंगे एक्सीलरेटर पैडल से तो गाड़ी अपने आप ब्रेकिंग ले ली जैसे देख रही ले रही है, और इससे आपको रेंज बढ़ जाती है क्योंकि अपने आप ही बैटरी पैक वगैरह चार्ज होता है। अगर आप हल्के पे करते हैं उसको L1 पे कर देते हैं या 0 पे कर देते हैं बिल्कुल ही, तो उससे फिर ब्रेकिंग वगैरह नहीं लेगी गाड़ी जब भी आप पंजा हटाते हैं। तो L1 ज़्यादातर हाईवेज़ के लिए या 0 ज़्यादातर हाईवेज़ के लिए, और L2 L3 आप सिटी में यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग इसको सिंगल पैडल टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, कुछ इंजीनियर्स और कुछ टेक्नीशियंस और कुछ मार्केट के लोग कहते हैं सिंगल पैडल टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप अगर एक ही पंजे को
कुछ लोग इसको सिंगल पैल टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप एक ही पंजे को यूज़ करते हैं तो उससे आप अपने आप ही गाड़ी स्लो वगैरह कर सकते हैं। तो दिस समथिंग दैट यू कैन डू इफ़ यू ड्राइव मोस्टली विद इन द सिटी लिमिट्स। और इसके अलावा अच्छी बात जो इस गाड़ी की है वो ये है कि चलाने में बहुत ही अच्छा पैकेज है, बहुत ही बेहतरीन पैकेज है। टाटा मोटर्स जो अपनी लर्निंग्स करी है नेक्सॉन ईवी के साथ, टियागो के साथ, वो उन्होंने इस गाड़ी में उतारी है, और चलाने के लिहाज से इट्स अ वेरी गुड पैकेज। राइड कंफर्ट ट्रूली इज़ ब्रिलियंट। जी हाँ, चुम्मा है राइड कंफर्ट इस गाड़ी का। आई थिंक से 15-20 लाख तक की रेंज में अगर आप गाड़ी की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन राइड कम्फर्ट इस गाड़ी का। छोटी कॉम्पैक्ट एंट्री लेवल एसयूवी किसी भी एंगल से नहीं लगती है ये इन टर्म्स ऑफ राइड कम्फर्ट, चाहे आप बात करें रंबल स्ट्रिप्स की, चाहे बात करें एक्सपेंशन जॉइंट्स की, चाहे आप बात करें बड़े बड़े गड्ढों की सड़कों पे, सब के ऊपर से आराम से कंफर्टेबली आपको ले आएगी। शॉक अब्जॉर्बर्स अच्छा काम करते हैं, सस्पेंशन अच्छा काम करती है, और टायर्स अपोलो के जो टायर्स हैं मेरे को लगता है उनका भी एक बड़ा भाग है इस राइड कंफर्ट को इन्हेंस करने में, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। दूसरा जो बड़ा पॉजिटिव है वो ये कि इसका स्टेयरिंग व्हील है, इसका फीडबैक काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा फीडबैक आपको देता है, बड़ा पॉजिटिव फीडबैक देता है, और जो वजन है इस पर वो भी बड़ा एक्यूरेट है। ना ऐसा है कि बहुत ज़्यादा भारी है कि आपको लगे कि अरे बाप रे बहुत हैवी स्टेयरिंग व्हील है, मेरे को दिक्कत आ रही है चलाने में। और दूसरा इतना हल्का भी नहीं कि हाईवे पे लेके चलेंगे आप गाड़ी, फास्ट स्पीड पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि अरे बाप रे गाड़ी यू नो चल नहीं रही है, या फिर मेरे को फीडबैक उस हिसाब से नहीं मिल रहा है। तो इट्स अ वेरी वेल मेड स्टेयरिंग व्हील। और साथ ही साथ अगर आप एक एंथुजियास्ट ड्राइवर हैं तो आप इसको स्पोर्ट मोड में ऐसे डाल सकते हैं। रेंज थोड़ी बहुत कम जरूर हो जाएगी, लेकिन ये है कि हाँ आपको एकदम इंस्टेंटेनियस परफॉर्मेंस में पता चलेगा कि फ़र्क आ गया है, जो ड्राइव ट्रेन एकदम से अलर्ट साधा हो जाता है। ऑब्वियसली इस समय डाल के आपकी रेंज कम हो जाती है, इसको डाउन ही करेंगे तो ठीक है। और इकोनॉमी में और स्पोर्ट में करीब 25 से 30 किलोमीटर का फ़र्क एकदम से आता है। अभी 300 कुछ दिखा रही थी और जैसे हमने इसको डाला स्पोर्ट में तो एकदम से 275 के आसपास आ गई, तो करीब करीब 25-30 किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाता है अगर आप चेंजेस ये सारे करते हैं तो इसमें। उसके अलावा एक अच्छी बात ये है कि इसके अंदर आपको मिलता है 360 डिग्री का बर्ड्स आई व्यू कैमरा, तो सब तरफ आपको गाड़ी के दिखता है। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है, जो 421 या 422 या जो भी 400 की क्लेम कर रहे हैं फिगर, वो रेंज जेनरली नहीं मिलती है। जब हमने गाड़ी को सुबह स्टार्ट किया तब इसमें बैटरी करीब करीब 98% थी, और रेंज जो दिखा रहा था ऊपर वो दिखा रहा था 335 किलोमीटर की। अभी 83% बैटरी हो चुकी है, हम सिटी मोड में चला रहे हैं, 290 की रेंज दिखा रहा है। अगर हम इकॉनमी में डालते हैं इसको तो भी 300 की रेंज दिखा रहा है विद 83% बैटरी लेफ्ट। तो 400 का जो फिगर आई थिंक दैट इज़ मोर एज अ ट्रायल फिगर, जो टेस्ट आइडियल कंडीशन में चलाते हैं तो वहाँ मिलता है। रियल वर्ल्ड में 320, 330, 340 तक आप सोच सकते हैं कि आप निकाल पाएंगे तो अच्छा है, बट दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट ओके, क्योंकि जो भी कहीं पे भी क्लेम होता है एफिशिएंसी का उतनी कभी होती नहीं है, चाहे ईवी की बात करें चाहे पेट्रोल या डीजल की बात करें, हमेशा थोड़ी कम होती है। तो इट्स क्वाइट ओके, क्वाइट जेन्युइन इन दैट सेंस। उसके अलावा विजिबिलिटी इज़ गुड, बॉनेट लाइन काफ़ी ऊँची है, साइड के शीशे काफ़ी बड़े हैं, बीच में से ही विजिबिलिटी अच्छी दिख जाती है, तो आपको सब तरफ दिखता है। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर है, फर्स्ट टाइम ड्राइवर है, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, कोई ऐसा नहीं लगेगा कि यू नो दिक्कत आ रही चलाने में। एसी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, बैंगलोर में है जहाँ पे वैसे तो प्लेजेंट है इधर, लेकिन आप फिर भी 30 डिग्री के आसपास है अभी, तो एसी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। एंड ओवरऑल आई थिंक इट्स क्वाइट अ नाइस कार टर्म्स ऑफ प्योर ड्राइविंग प्लेजर। अगर ड्राइविंग प्लेजर की बात करते हैं तो इट्स अ गुड कार फॉर पीपल हु enjoy driving, who like driving and who have a keen flair for driving themselves, so they will enjoy this car quite a lot. And in general it's got a nice positive ambience to itself, and that is something which a lot of buyers will also appreciate. ड्राइविंग में इस गाड़ी को मैंने एक अच्छा स्कोर 90 का 100 में से, मुझे अच्छा लगा इस गाड़ी को चला के आज, और उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा वीडियो देख के। हम गाड़ी को रोकते हैं और एक समरी रिपोर्ट आपको बताते हैं, क्योंकि जो गाड़ी का प्राइस है वो एक मेरे को लग रहा है फैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा है कम्पेयर टू इट्स साइज एंड शेप। क्या आपको ये टॉप ऑफ द लाइन मॉडल लेना चाहिए 15 लाख डाल के, या फिर आपको 2.5 लाख एक्स्ट्रा डाल के नेक्सॉन लेनी चाहिए, या फिर आपको इसी प्राइस पर लगभग ले लेनी चाहिए महिंद्रा की एक्सयूवी 400 नया वर्जन उसका है एल प्रो, ये थोड़ा सा डिसाइड करने वाली बात है। अब गाड़ी रोकते हैं और प्रोज एंड कॉन्स आपको जल्दी से बताते हैं, उसके बाद इस वीडियो को जल्दी से ख़त्म करते हैं। ओवरऑल अगर आप चाहते हैं एक शहर के लिए गाड़ी लेना, अगर आप चाहते हैं कि एक सिटी के अंदर आपको ईवी चाहिए, तो ये गाड़ी आपके लिए काफ़ी अच्छा पैकेज है, क्योंकि इसके अंदर आपको यू नो कॉम्पैक्ट डायमेंशन मिलती है, जो पार्किंग वगैरह में आपके लिए ईजी रहेगी गाड़ी, और साथ ही फीचर्स जो है वो सारे के सारे मिलते हैं आपको, कूल फ्रंट सीट्स, सनरूफ वगैरह सब मिल जाता है। लेकिन हाँ, इस जो पर्टिकुलर वर्जन का प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर है, 15 लाख के आसपास का प्राइस है। आई थिंक ओवरऑल वी डोंट वांट टू स्पेंड ऑल दैट मनी ऑन द टाटा नेक्सॉन ईवी, देन दिस
is definitely a good option. Do check it out at Tata EV dealership near you, and I'm sure you'll agree with my verdict. So, if you give a good score, then you'll be a good one.